बढ़ती हुई जो रेट के कारण भी लोग पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं उनको हम लोग ने फूल दिया है और इसके साथ ही बढ़ते हुए रेट का, बढ़ते हुए पेट्रोल का विरोध किया है। मैं सरकार से इस प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज बेरोजगार लोग जो हैं आज रोड पे हैं और घरेलू महिलाओं जो आज अपने घर को चला रही हैं उनके उनके बारे में भी सोचें और इस बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत दिया जाए। और जैसे कि सरकार कह रही थी अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मैं सरकार जी से कहना चाहूँगी, आदरणीय मोदी जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है हमारी कि हमको हमारे पुराने ही समय में वापस करें। और इस प्रदर्शन के माध्यम से छोटी सी एक बात और कहना चाहूँगी कि लगातार जो आपके द्वारा ये विरोध बढ़ते हुए पेट्रोल के जो बढ़ते दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए महिला शिवसेना के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन होगा अगर ये रेट कम नहीं होते तो। मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं महिला शिवसेना से हूँ। लगातार गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में कमाई किसी की हुई नहीं, तो ये महंगाई में इंसान कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? हम खाएंगे कैसे सरकार, जब आप गैस बढ़ा देंगे, पेट्रोलियम बढ़ा देंगे? पेट्रोल का दाम बढ़ने से सारे ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली, इसका दिखता है हमें, वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा पेट्रोलियम से और हर छोटी और बड़ी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज महिला सेना का दूसरा प्रदर्शन है, पहला प्रदर्शन हम कर चुके हैं और सरकार से हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आपने इसमें कटौती नहीं की तो आने वाले समय में महिला सेना एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन करेगी। जय भवानी, जय शिवाजी। कोमल तिवारी, मैं जिला प्रभारी हूँ महिला सेना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।